Complet. नेक्स्ट पॉइंट है आज का हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस टॉपिक में इसके बाद माइक्रो वर्ड हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, मेल और फीमेल के लिए, कंपलसरी फॉर मेल। और इसके बाद का हम पार्ट जो लर्न करने वाले हैं वो फीमेल का, पहले मेल को कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि कल हमने एंड्रोशियम को स्टार्ट किया था। एंड्रोशियम मतलब मेल पार्ट, ठीक है। यूनिट ऑफ एंड्रोशियम कॉल्ड एज अ स्टैमेन। स्टैमेन के अगेन थ्री पार्ट, एक्चुअली मेन टू पार्ट, एंथेराइड फिलामेंट, बोथ आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। ये क्लियर है, ठीक। तो कल हमने अंथर को स्टार्ट किया था। अंथर ये मोनोथिकस भी हो सकता है, डायथिकस भी हो सकता है। मोस्ट कॉमन कौन सा एंजियोस्पर्मिक प्लांट में? डायथिकस अंदर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायथिकस अंदर, मतलब दो लोब प्रेजेंट होते हैं। ईच लोब कंटेन हाउ मेनी पोलन सैक? टू पोलन सैक। पोलन सैक इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजियम। इतना क्लियर है, ओके। अब ये जो प्रोसेस है वो कहाँ हो रही है? माइक्रोस्पोरेंजियम में। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ऑकर्स इन माइक्रोस्पोरेंजियम, ऑकर्स इन माइक्रोस्पोरेंजियम, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोलन सैक, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोलन चेंबर। सभी वर्ड एक ही के लिए यूज कर रहे हैं, पोलन चेंबर, ओके। इट ऑकर्स इन माइक्रोस्पोरेंजियम। व्हाट इज मीन बाय माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? चलिए डेफिनेशन बताइए क्या होगी। इट इज अ प्रोसेस। फर्स्ट, जेनेसिस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस। क्या फॉर्म करना है? स्पोर्स। कौन से? मेल। करेक्ट। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, मेल स्पोर्स, करेक्ट, इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, आप बोल सकते हो इसे, करेक्ट, मतलब करेक्ट। मेल स्पोर का नाम क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोलन ग्रेन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पोलन ग्रेन, इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजियम, सॉरी माइक्रोस्पोरेंजियम इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, करेक्ट, ओके। अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम में हो रहे हैं, लेकिन माइक्रोस्पोरेंजियम हम कौन सा स्टडी कर चुके हैं, कौन सा टाइप का अंतर स्टडी कर चुके हैं? जनरली डायथिकस अंथर को हमने कल लर्न किया था। तो डायथिकस अंथर में कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं? टू लोब्स। ईच लोब कंटेन, करेक्ट, टू चेंबर और पोलन सैक, ठीक है। एंड ईच पोलन सैक प्रोड्यूसेस मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल, करेक्ट। ईच पोलन सैक कंटेन मेनी मतलब नंबर ऑफ एमएमसी और पीएमसी, लॉन्ग फॉर्म लिख लीजिए, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल, पीएमसी पोलन मदर सेल, दे आर ऑलवेज डिप्लॉइड, दे आर ऑलवेज डिप्लॉइड, ओके। डायथिकस अंथर को कल हमने देखा था, उसमें दो लोब्स हैं, ईच लोब कंटेन टू चेंबर और टू पोलन सैक, ईच पोलन सैक कंटेन मेनी एमएमसी और पीएमसी, ठीक है। देन अगेन एमएमसी और पीएमसी आर formed by which type of cells? Primary
स्पोरोजिनस सेल, कल मैंने आपको बताया था. एमएमसी और पीएमसी कौन फॉर्म कर रहा है? करेक्ट, प्राइमरी. ये सभी क्वेश्चंस आपको नीट के लिए इंपॉर्टेंट है. स्पोरोजिनस सेल्स, इन शॉर्ट पीएससी, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स. ठीक है, नेक्स्ट. अब एक्चुअली माइक्रोस्पोरेंजियम को हमने बोला कि ये माइक्रोस्पोर फॉर्म करने की प्रोसेस है. ठीक है, कहाँ फॉर्म हो रही है? पोलर सैक में या माइक्रोस्पोरेंजियम में फॉर्म हो रही है. अब एक्चुअली डेफिनेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम मदर सेल और पोलर मदर सेल. ये प्रोसेस कौन सी है? मियोसिस या माइटोसिस? यस, यहाँ कौन सी डिवीजन हो रही है? कंपलसरी मियोसिस. व्हाई मियोसिस? यस करेक्ट, बिकॉज यहाँ मैंने लिखा है टू यन से यन फॉर्म हो रहा है, मतलब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड फॉर्म हो रहा है, तो ऑब्वियसली रिडक्शनल सेल डिवीजन. यहाँ ऐसे नहीं कि एक एमएम से एक पोलर माइक्रोस्पोर तैयार करेगा, नहीं, कितने फिर कितने तैयार करें? एक एमएम से एक माइक्रोस्पोर तैयार करेगा सिंगल? नो. कितने? कैसे? सिंगल सिंगल एमएम से, अगर सपोज एक ही एमएम से यहाँ एंट्री कर रहा है, कैसे? मियोसिस में फोर तैयार होते हैं ना, हमने इन डिटेल 11th में देखा है. मियोसिस में एक पैरेंट सेल कितने डॉटर सेल तैयार कर रहा है? फोर. और माइटोसिस में एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल तैयार कर रहे हैं. ओके, ये नहीं भूलना है. ओके, एमएमसी अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म फोर हैप्लोइड माइक्रोस्पोर, फोर हैप्लोइड माइक्रोस्पोर. अब ये जो माइक्रोस्पोर है, हमने देखा था मियोसिस में एक सेल चार डॉटर सेल तैयार कर रहा है, फोर डॉटर सेल्स. ठीक है, ऐसे हमने एक्चुअली डायग्राम ड्रॉ की थी, बट यहाँ एक अलग सी डायग्राम है. तो यहाँ इस तरह से आपको कुछ सेल्स दिखाई देंगे. ओके, तो यहां तो मैंने तीन ही दिखाए हैं. नेक्स्ट, एक इसके बैक साइड में प्रेजेंट है, जैसे हमारे कॉइन पर लाइन प्रेजेंट होता है, दिखते हैं थ्री बट वो फोर है वैसे ही. ओके, तो यहां भी थ्री है बट एक इसके पीछे है, तो इस तरह से ये चारों एक ही साथ प्रेजेंट है. यहां एक्चुअली हमने दिखाया था कि मियोसिस में चारों के चारों डॉटर सेल फ्री में फॉर्म हुए हैं, बट यहां All microspores, haploid microspores are formed or grouped into a single callous ring में present है, और callous wall के अंदर. callous wall किससे बन रही है? cellulose से, कल मैंने आपको कहा था. किससे बन रही है? cellulose से. तो एक्चुअली आफ्टर द मियोसिस ये चारों के चारों सेपरेट होने चाहिए, बट ये चारों के चारों सेपरेट फॉर्म में नहीं है, ये चारों एक ही वॉल के अंदर प्रेजेंट है. तो दैट टाइप, ये मियोसिस ही है, बट दैट टाइप ऑफ मियोसिस इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस टाइप ऑफ मियोसिस. इट इज कॉल्ड एज अ सिंक्रोनस टाइप ऑफ मियोसिस. ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो सिंक्रोनस मतलब ओके, चार फॉर्म हो रहे हैं लेकिन वो चारों के चारों सिंगल कैलोस वॉल के अंदर प्रेजेंट हैं, बट ये आगे जाके सेपरेट होंगे, बट जब ये फॉर्म हो रहे हैं तब ये एक साथ प्रेजेंट है. इट इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस टाइप ऑफ मियोसिस. मियोसिस ही है बट सिंक्रोनस. ठीक है, तो दैट टाइप ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, ये कितने स्पोर्स है टोटल? फोर.
कितने स्पोर्स है टोटल? 4। और इस तरह की जो अरेंजमेंट है इट इज कॉल्ड एज टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल टाइप ऑफ स्पोर्स अरेंजमेंट। टेट्राहाइड्रल मतलब 4। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, कल हमने देखा था माइक अंथर में कितने पोलन चेम्बर्स हैं? 4। तो दैट टाइप ऑफ अंथर इज कॉल्ड एज टेट्रास्पोरेंजियट टाइप ऑफ अंथर। बोल सकते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट। स्पोरेंजिएट मतलब स्पोर, माइक्रोस्पोरेंजी वाला स्पोरेंजिएट। टेट्रा मतलब 4। मतलब डायथिकस अंथर टेट्रास्पोरेंजिएट टाइप का हो सकता है और बायथिकस सॉरी यूनिथिकस और मोनोथिकस अंथर बायस्पोरेंजिएट टाइप। ओके, यस। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको इस तरह से ध्यान में रखना है, टेट्रास्पोरेंजिएट टाइप डायथिकस में, बायस्पोरेंजिएट टाइप मोनोथिकस में। ठीक है, ओके। तो ये है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस, इस तरह से ये फॉर्म हो रही है। कंपल्सरी आफ्टर द मियोसिस ही फॉर्म होंगी एंड ऑल एमएमसीज अंडरगोज सिंक्रोनस टाइप ऑफ मियोसिस टू फॉर्म मेनी टेट्रास्पोरेंजिएट। पहले फॉर्म हो गए और ये अगेन आगे जाके पूरे के पूरे सेपरेट फॉर्म में हो गए और वो बिफोर पोलिनेशन ये सेपरेट फॉर्म में रहेंगे। बिफोर पोलिनेशन मतलब पोलिनेशन होने के पहले ये चारों के चारों सेपरेट होंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। स्टॉप।